सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये एक फूड रिव्यू है, बिकॉज़ मेरा चैनल प्रोडक्ट रिव्यू है, तो मैं उसमें हर तरीके का रिव्यू दूंगी जो कि यूज़फुल होगा लोगों के लिए। सो मैं पहले बता देती हूँ, दिस इज़ एक जो बॉक्स है ये पूरा फुल और ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। सो आफ्टर डिलीवरी आपको लड्डू की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि प्रोटीन मिल सके, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में और आपको अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को जो मिल्क की सप्लाई है वो अच्छी क्वालिटी की हो एंड क्वांटिटी की हो। सो उसके लिए आपको गोंद के लड्डू की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बहुत केसेस में देखा गया कि जहाँ पर डिलीवरी के तुरंत बाद ऑब्वियसली लड़के काम नहीं कर पाती और उनको कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है, सो उस सिचुएशन में आपको गोंद के लड्डू की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप गोंद के लड्डू नहीं बना सकते हैं खुद से ही, ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे उस टाइम, या तो आप घर पे किसी से हेल्प ले सकते हैं, अपने हस्बैंड से अगर आप अकेले रहते हैं तो, या फिर अगर किसी की फैमिली बहुत ही अच्छी है तो ऑब्वियसली फैमिली वाले तो बना के दे ही देते हैं ये सब चीज़ें। और अगर नहीं दे सकते इन एनी कंडीशन, नहीं मिल पाता आपको, तो आप ऑनलाइन भी जाके ले सकते हो और इट्स सुपर टेस्टी। और ये आप टॉडलर को एज अ स्नैक्स भी दे सकते हैं। मेरी बेबी 2 ईयर्स की होने वाली है, नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगी, और उसको इतना लड्डू ये पसंद आया है, मतलब इट्स सो सॉफ्ट एंड सो टेस्टी कि मुझे नेक्स्ट डे फिर से इसको ऑर्डर करना पड़ गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो ऑब्वियसली मैंने तो गोंद के लड्डू बहुत खा रखे हैं, खुद बना भी रखे हैं, तो मुझे चाहिए था कि एक बार ट्राई करते हैं बाहर का कैसा लगता है गोंद के लड्डू खाने में। सो मैंने ट्राई किया है, ये रहा, ये है बिग बास्केट का है टेस्टीज गोंद के लड्डू विद मेड विद ड्राई फ्रूट्स, और इसका जो नेट वेट है वो है 200 ग्राम्स। और मैं ओपन कर भी दिखाऊंगी कि ऑब्वियसली यहाँ पे मार्क देख सकते हैं, तो ये वेजिटेरियन का मार्क होता है ये। सो ये रहा, इसमें आपको देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे वाले इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और शुगर जो भी है वो भी इतना भी नहीं है, ठीक ठाक क्वांटिटी में है। लेकिन आपको एलर्जी टेस्ट पहले से कर लेना है अगर आपको व्हीट मिल्क या सॉलिड नट से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतने सॉफ्ट है, हर चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स होकर आई है, तो इतना कुछ दिक्कत होगी नहीं इसमें। और ये 4 मंथ तक ही स्टोर कर सकते हैं आप, और इसे मैं फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ, तो आपको बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। सो देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है, रीसेंट मैन्युफैक्चरिंग है मार्च 12 की, और इसका एमआरपी इसका 180 रुपीज़, और इसमें टोटल आते हैं 6 लड्डू। थोड़ा कॉस्टली कह सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, और ऑनलाइन अमेज़ॉन पर मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे वहाँ के लड्डू इतने अच्छे नहीं लगे जितने कि मुझे ये वाले लगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अगर आप ऑनलाइन अगर बिग बास्केट यूज़ करते तो वहाँ से डेफिनेटली ले सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल है कि आप लीजिए, ये बहुत टेस्टी है अगर आप खरीद सकते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है अंदर। सो आपको दिखा दूँ कि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका, एक बचा हुआ है। तो मेरे बेबी को बहुत पसंद आया था ये, तो उसने बहुत अच्छे से खाया है ये, और ये बहुत सॉफ्ट है, तो बच्चे स्पेशली जो टॉडलर होते हैं वो बहुत आसानी से खा सकते हैं। और टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही यमी है ये सीरियसली। और देखिए ये कुछ इस टेक्सचर का आपको मिल जाएगा, और डेफिनेटली आप ले सकते हैं अगर आपका मन है तो, अगर आप खरीद सकते हैं तो फिर देख सकते हैं। मुझे ये इतना पसंद आया था कि मैंने इसका दूसरा नेक्स्ट डे ही ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे आज डिलीवरी हो गई। इवन अभी लॉकडाउन चल रहा है सैटरडे संडे, फिर भी आज डिलीवरी हो चुकी थी बिग बास्केट की। सो ये पुणे में अगर आप रहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिग बास्केट डाउनलोड कर लीजिए बीवी, तो आप वहाँ से डेफिनेटली ले सकते हैं। और ये किसी का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर ये टॉडलर के लिए भी स्नैक्स परफेक्ट है, और आफ्टर डिलीवरी आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा जो कि आपके आगे बेबी को भी यूज़फुल होगा और जो मदर है उसको भी यूज़फुल होगा। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक यू सो मच।